व्हाट्सअप गाइस, कैसा आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ Redmi Note 11 S डिवाइस के बारे में। और इसके लिए फाइनली इंडिया में एक नया अपडेट है, वो यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग इंडिया में Redmi Note 11 S डिवाइस यहाँ पर यूज करते हो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यहाँ पर इंडिया में फाइनली MIUI 13 और Android 12 का जो अपडेट है ना, वो यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और 189 MB की आप लोगों को अपडेट की टोटल साइज है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और 13.0.4.0 का आप लोगों को यहाँ पर अपडेट का वर्जन नंबर है ना, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये IN मतलब कि इंडिया के लिए जो अपडेट है ना, वो यहाँ पर रिलीज किया गया है। इस अपडेट के अंदर आप लोगों को बहुत सारे जो नए फीचर है ना, वो देखने को मिलते हैं। वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आ रही है, वीडियो को अभी तक यहाँ पर लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 100 लाइक का। देखते हैं आप लोग कितना जल्दी इसको यहाँ पर कंप्लीट कर पाते हो। और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हो तो इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आपके डिवाइस के लिए भी फ्यूचर में और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ MIUI 13 अपडेट के अंदर आप लोगों को फर्स्ट फीचर है ना, वो यहाँ पर कौन सा देखने को मिलता है। सबसे पहला फीचर है वो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि इसका पूरा इंटरफेस है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। और यहाँ पर आप लोगों को MIUI 13 का जो लोगो है ना, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसके अंदर भी आप लोगों को सबसे बड़ी बात है ना, वो यहाँ पर ये देखने को मिलती है कि मई मंथ के अंदर तो अपडेट यहाँ पर रिलीज हुआ है, यह तो अच्छी बात है, लेकिन मई का ही सिक्योरिटी पेस्ट का जो अपडेट है ना, वो यहाँ पर Xiaomi की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर Xiaomi किसी और डिवाइस के अंदर यहाँ पर मई मंथ के अंदर अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज कराता, उनके अंदर पुराने ही सिक्योरिटी पेस्ट के जो अपडेट है ना, वो देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके अंदर आप लोगों को लेटेस्ट से भी लेटेस्ट मई का सिक्योरिटी पेस्ट का जो अपडेट है ना, वो देखने को मिलता है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। ये एक अच्छी बात लगी। वही मैं आप लोगों से बात करूं कुछ और चेंजेस के बारे में, जो कि आपको MIUI 13 के अपडेट के अंदर देखने को मिलते हैं। सेटिंग एप्लीकेशन है उसको आप लोगों को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद में आप लोगों को यहां पर ओपन करना है नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर, और वहीं पे आप लोगों को ओपन करना है कंट्रोल सेंटर स्टाइल। तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके का जो लेआउट है ना, वो देखने को मिलता है। अब इसके अंदर जो एनिमेशन है ना, वो यहाँ पर Xiaomi की तरफ से ऐड कर दी गई है इस अपडेट के अंदर। और अगर आप लोग जाते हो स्मार्टफोन के अंदर, स्मार्ट होम के अंदर, यहाँ पर आपको एंड्रॉइड एस का ईस्टर एक का जो ऑप्शन है ना, वो देखने को मिल जाता है। पहले यहाँ पर एंड्रॉइड आर का ईस्टर एक का ऑप्शन है ना, वो यहाँ पर आता था, लेकिन अब आप लोगों को एंड्रॉइड एस का ईस्टर एक वाला ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। आप लोग स्मार्ट डिवाइस है ना, वो अपने डिवाइस के अंदर यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इनको ऑफ कर दिया, क्योंकि इनका यहाँ पर ज्यादा कोई काम नहीं रहता है। वहीं गाइज मैं आप लोगों से बात करूँ कुछ और चेंजेस के बारे में, जो कि आप लोगों को इस अपडेट के अंदर देखने को मिलते हैं। स्पेशल फीचर को ओपन करते हैं, यहाँ पर पहले आप लोगों को ओल्ड नेम का ऑप्शन है ना, वो देखने को मिलता था। उसको अब यहाँ पर रिप्लेस करके आप लोगों को साइड बार का जो ऑप्शन है ना, वो देखने को मिल जाता है। ये भी आप लोगों को एक Xiaomi का MIUI 13 का जो फीचर है ना, वो देखने को मिलता है। अगर आप लोग इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्वाइप करोगे आप लोगों को बहुत सारी एप्लीकेशन है वो देखने को मिल जाएगी। इनमें से किसी को भी आप लोग ओपन कर सकते हो, और एक नई विंडो की तरह यहाँ पर ये ओपन हो जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो टेलीग्राम में, इसको मैंने यहाँ पर ओपन किया है, यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। अगर आप लोग इसको यहाँ पर बड़ा करना चाहते हो यहाँ पर बड़ा कर सकते हो, बाकी क्लोज है वो आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर सकते हो। ये भी आप लोगों को एक बड़ा जो चेंज है ना, वो देखने को मिलता है MIUI 13 के अपडेट के अंदर। और इसकी पोजीशन है वो भी आप लोग लेफ्ट राइट रख सकते हो, और गेम में वो रख सकते हो, और वीडियो ऐप है ना, वो आप लोग यहाँ पर कौन कौन से ऐप के अंदर रखना है, जैसे कि गैलरी के अंदर मैंने रखा है और YouTube के अंदर रखा है। एक बार YouTube एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में गाइज आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्वाइप करना है, आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों को वीडियो टूल बॉक्स का ऑप्शन है ना, वो यहाँ पर नई जो लेआउट है ना उसके साथ में यहाँ पर देखने को मिलता है। ये भी आप लोगों का एक छोटा सा चेंज है ना, वो देखने को मिलता है MIUI 13 के अपडेट के अंदर Redmi Note 11 S डिवाइस के अंदर। यहाँ पर आप बात कर लेते हैं कुछ और चेंजेस के बारे में, आप लोगों को गैलरी एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है, और यहाँ पर मैंने बहुत सारी फोटोज है उनको क्लिक करके रखा है, लेकिन इनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों को नीचे ऑल और कैमरा का जो ऑप्शन है ना, वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है।
अगर आप लोग कैमरे वाले बटन पर प्रेस करते हो तो जितने भी जो फोटोज है ना वहाँ पर कैमरे से क्लिक की गई है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। अदरवाइज ऑल का ऑप्शन है वो तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता ही है। और यहाँ पर मैंने कुछ फोटोज है ना उनको यहाँ पर क्लिक किया और इसको यहाँ पर एडिट करते हैं तो एडिट वाला जो ऑप्शन है ना इसका आप लोगों को लेआउट है वो चेंज देखने को मिलता है। एआई के अंदर जाना है, स्काई के अंदर जाना है और यहाँ पर ये एक नया ऑप्शन है ना वो यहाँ पर ऐड कर दिया गया है इस अपडेट के अंदर। और बाकी आप लोगों को जो फिल्टर देखने को मिलते हैं ना इसके अंदर भी एक दो नए फिल्टर है वो यहाँ पर Xiaomi की तरफ से यहाँ पर ऐड किए गए हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग कोई भी किसी भी चीज का यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते हो तो यहाँ पर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट है वो लेके दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीनशॉट है उसको अगर आप लोग एडिट करोगे तो इसका भी जो लेआउट है ना वो आप लोगों को यहाँ पर चेंज देखने को मिलता है। आप लोगों को यहाँ पर तरह तरह के जो ब्रश है ना वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सो इस तरीके से भी आप लोगों को जो चेंजेस है वो देखने को मिलते हैं स्क्रीनशॉट के अंदर। और गैलरी के अंदर अगर आप लोग जाते हो और यहाँ पर कुछ इस तरह से स्वाइप करते हो नीचे की तरफ जाना है सो यहाँ पर आप लोगों को इसका जो लेआउट है ना वो यहाँ पर चेंज देखने को मिलता है। ट्रेस बिन, ट्रेस और क्लीनर इस तरीके से आप लोगों को जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं। अब अगर आप लोग जाते हो पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन के अंदर सो ये एक नया सा फीचर है ना वो Xiaomi की तरफ से ऐड किया गया है। अगर आप लोग जाते हो पोर्ट्रेट के अंदर सो जितने भी जो पिक्चर है ना आपके डिवाइस के अंदर जो कि आपने क्लिक किया है पोर्ट्रेट इफेक्ट के अंदर सो उसका जो लेआउट है ना वो आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सारी पोर्ट्रेट इमेज है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर अगर आप लोग कोई भी पिक्चर है उसको चूज करते हो जैसे कि मान लो इस फोटो को मैंने चूज कर लिया है, इस थ्री डॉट पे आप लोगों को प्रेस करना है और प्रोटेक्टिव वाटर मार्क है उस पर आप लोगों को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर मैंने मान लो अपना नेम है ना वो लिख दिया है। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आप किसी के साथ में शेयर करते हो तो वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आपका नेम के साथ में यहाँ पर शेयर होगा। यहाँ पर मैंने जो लिखा था ना वो जगह जगह पे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। सो ये प्रोटेक्टिव वाटरमार्क का जो आप लोगों को फीचर है ना वो देखने को मिलता है अलग अलग जगह पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी यहाँ पर ये है। तो इस तरीके से भी आप लोगों को जो चेंज है ना वो देखने को मिलता है इसी नए मैसिव अपडेट के अंदर। अब दोस्तों वैसे तो आप लोगों को और भी बहुत सारे जो नए फीचर है ना वो देखने को मिलते हैं सो वो मैं अगर आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करूंगा सो वीडियो है ना वो लगभग यहाँ पर 15 मिनट की बन जाएगी। सो अगर आप लोग चाहते हो मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है जो कि यहाँ पर जल्दी लेके आऊँ सो आप लोग मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी सो आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। और आप लोग हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है ना इसको ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन है ना वो पहले ही देखने को मिल जाती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज मैंने आप लोगों के साथ में जो लिंक है ना वो यहाँ पर पहले ही शेयर कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। सो अगर आप लोग मैन्युअली यहाँ पर अपडेट करना चाहते तो सो आप लोगों को लिंक करना वो यहीं पे देखने को मिल जाएगी। आप लोग डायरेक्टली इसको यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये कमाल का प्रीमियम क्वालिटी का वॉलपेपर है जो कि यहाँ पर पसंद है आप लोग भी अपने डिवाइस अंदर सेट करना चाहते हो सो आप लोगों को टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है सहेज वॉलपेपर। आप लोगों को मेरा ये वाला टेलीग्राम चैनल है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कई तरीके के जो वॉलपेपर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।